गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर का असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आंकलन। अधिगम असेसमेंट ये आपका फोर्थ पेपर है। आंकलन इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो वो है असेसमेंट। आंकलन क्या होता है? ये आंकलन आंकलन हमारा डे टू डे प्रोसेस का जो हम रूटीन की लाइफ में हम जैसे यूज कर रहे हैं, हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो यूज होने वाला एक पार्ट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यूज होने वाला बहुत ही छोटा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये प्रक्रिया, ये जो असेसमेंट है। इसको हम एक टीचर है डेली लाइफ में यूज करते हैं और किसके लिए किया थे? अधिगम को बेहतर करने के लिए, जहां हम कहते हैं आंकलन को सॉरी अधिगम को बेहतर करने के लिए जो आंकलन किया जाता है दैट इज द असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम को बेहतर करने के लिए जो हम आंकलन कर रहे हैं दैट इज द इसके लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगी स्टूडेंट्स। जैसे कि कुक है वो रेस्टोरेंट में एक सूप रेडी कर रहे हैं या आपके घर में आपके मदर है वो सूप रेडी कर रहे हैं। सूप रेडी करने के बाद जब वो सूप रेडी करते हैं तो उसको टेस्ट करके देखते हैं। जब वो टेस्ट करके देखते हैं तो वो देखते हैं जब वो आंकलन है वो उनका उनका अपने सूप के लिए आंकलन है। वो देखना चाह रहे हैं कि जो हम टेस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं सबको क्या वो टेस्ट प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो उसमें नहीं है बाई चांस उसमें नमक कम लग रहा है या मिर्ची कम लग रही है या कोई स्पाइसेस कम लग रहे हैं वो सूप में ऐड करते हैं दैट इज द आंकलन। उसी तरह से हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर यूज कर रहे हैं हम असेसमेंट को आंकलन को। उसमें हम क्या करते हैं जैसे स्टूडेंट टीचर है अपना पढ़ाता है रूटीन में टॉपिक को समझा के चले जाते हैं और नेक्स्ट डे वो क्या करना चाहते हैं डे टू डे में डेली लाइफ में वो उसको इंक्लूड करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि जो मैंने पढ़ाया था टीचर देखता है कि जो उसने पढ़ाया था पहले दिन जो पढ़ाया था या पिछले तीन चार दिन से जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उनको स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया तो उसमें वही जैसे आपके मदर ने या कितने मसाले ऐड किए हैं स्पाइसेस ऐड किए हैं सॉल्ट ऐड किया है उसी तरह से वो क्या करते हैं उसमें फिर से स्पाइसेस यानी कि उसमें फिर से उसको करते हैं बैटर करने के लिए उसको फिर से रिपीट करते हैं। वो उन्होंने देखना है कि किस लेवल पर रिपीट करना है ओवरव्यू देना है या फिर सारा टॉपिक ही रिपीट करने वाला है इस तरह से वो आकलन करते हैं। ठीक है जी, ये है आपका अधिगम को बेहतर करने के लिए फॉर बेटरमेंट ऑफ जिसके बिना हम अपनी लर्निंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। हमारे अचीवमेंट्स को पाने के लिए अचीवमेंट्स करने के लिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एक हम इसको डाटा गैदरिंग भी कह सकते हैं कि ये एक टूल है या फिर एक डाटा गैदरिंग का जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग हम डाटा गैदर करते हैं स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
हमने क्या किया, असेसमेंट क्या है, एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का बहुत ही छोटा और महत्वपूर्ण भाग है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती है ये, और ये अधिगम को बेहतर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी, असेसमेंट के क्षेत्र क्या है, आकलन के क्षेत्र, असेसमेंट का स्कोप क्या है, सबसे पहला जो स्कोप है, जो क्षेत्र है वह शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाना, यानी कि टू फाइंड आउट द एजुकेशनल अचीवमेंट्स। चलती है हमारे एक स्टूडेंट टीचर है, और जो असेसमेंट है वो ओरली भी हो सकती है, प्रैक्टिकल भी हो सकती है, और आपका रिटन भी हो सकती है। एक टीचर है वो टेस्ट लेता है, तो कुछ क्वेश्चंस पुट करता है आपसे आगे पिछले टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो ओरली भी उसका, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीधा उनसे आगे ओरली पुट कर रहा है क्वेश्चन, ओरली क्वेश्चन पूछ रहा है, या एक रिटन टेस्ट, छोटा सा रिटन टेस्ट बना लिया उस यूनिट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, या फिर उन्होंने प्रैक्टिकल, अगर आपका कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जैसे हमारा बीएड है, तो बीएड में हमने क्या करना है, हमने अपनी टीचिंग को बेटर करना है, हमने एक टीचर, बेटर टीचर प्रोड्यूस करनी है बीएड के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिकली भी उसका टेस्ट ले सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये तीनों तरह से होती है, जो असेसमेंट है वो तीनों तरह से होती है, प्रैक्टिकली भी, ओरली भी, एंड रिटन फॉर्म में भी होती है। तो जैसे हमने और ये जो बेटर है ये बेनिफिशियल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। टीचर्स के लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि उनको पता चलता रहता है, स्टेप टू स्टेप पता चलता रहता है कि उन्होंने अपना, उनकी क्या आउटपुट्स रही हैं, जो उन्होंने इनपुट डाला था, यानी कि जो उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था उसके, उनके जो आउटपुट्स रही हैं वो क्या रही हैं, उनके जो टीचिंग मेथड्स थे, जो उन्होंने पेडागोजी यूज की थी, मेथड्स यूज किए थे, वो कितने यूजफुल हैं, अगर उनको कहीं पे यूज कर, चेंज करने की जरूरत है तो वो चेंज भी कर सकते हैं, और उनको अर्लियर स्टेप पे पता चल जाता है असेसमेंट के थ्रू कि वो उनका जो पढ़ाने का ढंग है या वो जो उन्होंने पढ़ाया है वो कितना स्टूडेंट्स को समझ में आया है, और उसको रिपीट करने की जरूरत है या आगे कंटिन्यू करने की जरूरत है। फाइन स्टूडेंट्स, तो हम आगे आकलन के क्षेत्र शुरू कर रहे हैं, तो इसमें शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगा लेंगे, टू फाइंड आउट द एजुकेशनल अचीवमेंट्स। सबसे पहले कि हमने बोला है कि डे टू डे लाइफ में हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है, तो उससे भी हम जब हम आकलन करते हैं, आकलन से हमें पता चल जाता है कि किसे कितनी अचीवमेंट्स होंगी, फ्यूचर के अंदर कितनी अचीवमेंट्स हो सकती हैं, स्टूडेंट्स कितना सीरियसली ले रहे हैं, कितना उनको समझ आ रहा है, कितना वो कितने अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, उस हिसाब से हम उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का, एजुकेशनल अचीवमेंट्स का पता लगा सकते हैं। फाइन, एंड सेकंड वन इज व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करने में, यानी कि टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पांचों उंगलियां सेम नहीं होती हैं, हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती हैं, कोई बड़े साइज की होती है, कोई छोटे साइज की होती है, उसी हिसाब से हर एक इंसान में अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने अवगुण होते हैं, तो उन्हीं डिफरेंसेस को पता करने के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पता करने के लिए आकलन बहुत यूजफुल है। एक टीचर है, उसके लिए एक क्लास में पढ़ाना है, उसने 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसके अंदर एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, अबव एवरेज भी होते हैं और बिलो एवरेज भी होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के कुछ गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ही जो नोटी स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं स्टूडेंट्स के बीच में।
तो वो उन डिफरेंसेस को पता लगाने में आकलन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर हम डे टू डे लाइफ में अपना आकलन यूज कर रहे हैं, आकलन का प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कौन कौन सा स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है, उसी के हिसाब से आगे टीचर को पढ़ाने में बहुत बहुत ही यूजफुल रहता है ये आकलन का प्रोसेस। तो हमें क्या करना है इसमें, इसमें हमें क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें पता करने में बहुत याद करने में बहुत ही हेल्पफुल है। और हमें हम टीचर उससे जो रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं, जो बहुत पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको हम रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। जो पीयर टीचिंग प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, वो सारे टीचिंग प्रोसेस इसी तभी यूज़ हो पाएंगे जब हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता चलेगा। या फिर हम ग्रुपिंग में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हमें अगर पता है तो हम अलग अलग 5-6 ग्रुप बना सकते हैं। जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक बार नहीं समझ आता आ जाता है, उनको हम एक ग्रुप में डाल देंगे। जो जिनको थोड़ा लेट समझ आता है या लगभग एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं उन एवरेज स्टूडेंट्स को अलग में डाल देंगे, अब एवरेज को अलग में डाल देंगे और बिलो एवरेज को अलग ग्रुप में डाल देंगे, और उस हिसाब से हम टीचिंग भी कर सकते हैं। और हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट को किस चीज़ को किस तरह से समझाना है, किस में दिक्कत आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देन स्थान निर्धारण करने में टू फिक्स द लेवल्स। अगर हम असेसमेंट यूज कर रहे हैं, असेसमेंट प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो हमें स्थान निर्धारण करने में बहुत ही मदद मिलती है, हेल्पफुल होता है ये लेवल फिक्स करने के लिए। जैसे एक स्टूडेंट है, हमें पता है कि ये स्टूडेंट्स पुअर हैं, तो हम उसको अबव एवरेज लेने के लिए, हम उसको एवरेज तक लेके आने के लिए हम उसके लिए रेमेडियल टीचिंग यूज करेंगे। वहीं पे हम अगर कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं लेकिन उनको थोड़ा सा हम अगर मेहनत करें तो उसके ऊपर वो और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लेवल फिक्स कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पे डिपेंड करता है, कहाँ पे स्टैंड करता है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो हम देख सकते हैं असेसमेंट की हेल्प से। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनको कम दिखाई पड़ता है, कुछ कम सुनाई पड़ता है, लेकिन वो शर्म के हमारे बोल नहीं पाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन वो बैक बेंचेस पे बैठते हैं। अगर हम असेसमेंट करते हैं और हमें पता चलता है, हम उनसे क्वेश्चंस पुट करते हैं, उनको प्रॉपर वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं या उनको ब्लैक बोर्ड प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो हम उनको आगे लेके आ सकते हैं, उनको फर्स्ट बेंचेस पे बिठा सकते हैं, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको बैक बेंचेस पे भी बिठा सकते हैं। इससे भी हमारा जो है लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बेटर होता जाएगा और जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो बेटर होती जाएगी। इस तरह से हम लेवल्स फिक्स कर सकते हैं असेसमेंट के थ्रू। देन है गुणवत्ता का निर्धारण करने में टू फिक्स क्वालिटीज। हाँ जी, गुणवत्ता का निर्धारण कैसे होगा, हमें पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट्स की क्वालिटीज बेटर है, कौन सी क्वालिटीज में वो बेटर है। कुछ स्टूडेंट्स, हर कोई एक चीज में तो बेटर नहीं होता है ना, कोई किसी में कोई गेम्स में बेटर है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बेटर है, कुछ अकेडमिक में बेटर है, कुछ नॉन अकेडमिक में बेटर है। तो हम उसी हिसाब से बच्चों को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अपने जिसमें वो बेटर है उसी में और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, ताकि वो अपना फ्यूचर है जो वो बेटर कर सकें। इससे अगर हमें इनिशियल स्टेजेस पे ही क्वालिटीज का पता चल जाएगा, स्टूडेंट्स की क्वालिटीज का पता चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे उसको, उनको उसी के लिए हम ज़्यादा फोर्स करेंगे, उनको बेटर उस उन क्वालिटीज़ को और बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, उनका फ्यूचर और बेटर होता जाएगा, उसी में वो अपना करियर भी बना सकते हैं। और ये हमें जो क्वालिटीज हैं वो हमें पता चलेंगे असेसमेंट की, अगर डेली असेसमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ नया नया होता जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट्स इसमें बेटर है। अभी हम अगर बात करें MS धोनी की बात करें, जो फेमस क्रिकेटर हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, वो उनका जो स्टडीज में था, वो एकेडमिक था, उनका बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन अभी वो इतने फेमस हैं, हम सभी उनको जानते हैं, पूरा इंडिया उनको जानते हैं। तो
उनका अगर उनको उनकी क्वालिटीज का असेसमेंट में अगर उनका वहाँ पे असेसमेंट ना हुआ होता, स्कूल लेवल पे असेसमेंट ना हुआ होता, उनका आंकलन ना हुआ होता नॉन अकेडमिक फील्ड में, तो वो उतना बेटर नहीं कर पाते थे। वो शायद हम वो भी एक एवरेज स्टूडेंट होते या आम इंडियन ही बन के रह जाते। लेकिन उनके स्कूल में उनका असेसमेंट हुआ, उनका आंकलन हुआ और उनका नॉन अकेडमिक जो क्वालिटीज है उनका पता चला, उसी से उसी के बेस पे आज वो हमारा हम सब के बीच में जाने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देन है पूर्व अनुमान लगाने में फॉर प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शंस करने के लिए जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है, असेसमेंट में हम जब डेली लाइफ में हम रोज की रोज क्लास में हम देखते हैं, टीचर देखता है कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करता है, कोई कितना इंटरेस्ट लेता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रेडिक्शंस हम पूरा अनुमान लगा लेते हैं, प्रेडिक्शंस कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट फ्यूचर में कैसा करेगा, उसकी अचीवमेंट्स एजुकेशनल अचीवमेंट्स कैसी होंगी, उसका अनुमान हम पहले से ही लगा सकते हैं असेसमेंट के थ्रू। ठीक है जी, एंड देन अनुसंधान करने फॉर रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च करने के लिए भी हमें असेसमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम असेसमेंट करना चाहते हैं असेसमेंट प्रोसेस में भी जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं असेसमेंट के थ्रू, सॉरी रिसर्च प्रोसेस में भी जो हम असेसमेंट के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं वो बहुत ही यूजफुल रहता है और हम उससे अपना रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्कोप ऑफ असेसमेंट। और हम आगे कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट। आकलन की विशेषताएं, आकलन की विशेषताएं हैं जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो है वैलिडिटी। सबसे पहली है जो वो है सबसे पहली जो है विश्वसनीयता है, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो उसकी विश्वसनीयता है। दैट इज विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में सबसे पहले क्या है कि कोई भी हम अगर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं किसी स्टूडेंट्स के ऊपर असेसमेंट के लिए हम कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, अगर वो एक टेस्ट सेम टेस्ट है सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर अगर हम कितनी बार भी इंप्लीमेंट करें तो वो उसका रिजल्ट नियर अबाउट सेम आना चाहिए, दैट इज द रिलायबिलिटी। का जो रिजल्ट है नियर अबाउट आना चाहिए। उसको हम विश्वसनीयता कहेंगे, विश्वसनीय तो हम उस टेस्ट को विश्वसनीय कहेंगे, रिलायबल कहेंगे। अगर एक ही टेस्ट एक ही जिस वो सेम टेस्ट यानी कि सेम कंटेंट ऑलमोस्ट में और वो सेम टेस्ट सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर बार बार एक ही स्टूडेंट एक ही प्रकार के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं
तो जो उनका रिजल्ट है वो नियर अबाउट सेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा उसमें आपको अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, तो हम उस टेस्ट को विश्वसनीय कहेंगे, उस टेस्ट को हम रिलायबल कहेंगे। सेकेंड वन इज वैधता, दैट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है कि अगर हम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए उसके अंदर, सॉरी वैलिडिटी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम उसको बना रहे हैं, इसी टेस्ट को बना रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल होने चाहिए तभी हम उसको वैध कहेंगे। जो है ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो हमारे, अगर ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट हो रही है तो हम कहेंगे कि हमारा वैलिड है टेस्ट, वैध है, अदरवाइज वो वैध नहीं है। अगर हमने जैसे कि हम अगर एक टेस्ट ले रहे हैं, हमने सोचा कि हम देखते हैं कि ये असेसमेंट का टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैंने असेसमेंट की बजाय उससे उसमें आप टेस्ट के अंदर मैं आपको डाल रही हूँ जो मैंने टॉपिक पढ़ाई भी नहीं आ गई उसके बारे में डाल रही हूँ, तो फिर मेरा ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने आपको जो स्कोप और विशेषताएं और जो आपको असेसमेंट की असेसमेंट के बारे में बताया है वो आपको समझ आया है नहीं आया। अगर मैं उसके बाद उसको पूछने की बजाय आपसे प्रिंसिपल पूछ रही हूँ तो फिर मैं जो जिसके लिए जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैं टेस्ट बना रही हूँ वो वैध नहीं होगा, तो हमारा जो वैलिडिटी है जो टेस्ट है वो वैलिड होना चाहिए, वैध होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता होना चाहिए। थर्ड मीन इज प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यवहारिकता। उसके अंदर प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए, जब हम टेस्ट बनाए तो हमें हर चीज को ध्यान में रखना है, उसके पॉइंट्स के बारे में, बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में, बच्चों के स्टैंडर्ड्स के बारे में, हर चीज व्यवहारिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने बस बना दिया है, जो अफोर्डेबिलिटी है उसके बारे में भी हमें ध्यान में रखना है, टाइम के बारे में भी ध्यान में रखना है, हमें स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के बारे में भी ध्यान में रखना है, हर चीज हमें ध्यान में रखनी है, इसी तभी वो प्रैक्टिकल नेचर में होगा। अगर हम इस दिन की तीन चार चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर हमारा जो है व्यवहारिक नहीं माना जाएगा टेस्ट, वो प्रैक्टिकल इन नेचर नहीं होगा। देन इज स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज मानकीकरण। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि जो स्टूडेंट्स का लेवल है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। हम बना रहे हैं बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हमने क्या किया उसमें जो लेवल है वो क्या डाल दिया हमने, एमएड के स्टूडेंट्स का डाल दिया, तो फिर वो स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ, वो मानकीकरण उसका मानकीकरण नहीं होगा, वो लेवल से ऊपर चला जाएगा तो स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट नहीं देंगे, या तो उनको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, अगर वो हाई लेवल ले लेंगे तो वो डिफिकल्ट लगने लग जाएगा, अगर लो लेवल लेंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो जो लेवल है स्टूडेंट्स का उसको ध्यान में रख के हमने टेस्ट को बनाना है, तभी वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा। उसके बाद यूजेबिलिटी, उपयोगिता। अगर वो यूजफुल है तभी उसी का वो टेस्ट अच्छा माना जाएगा, अगर यूजेबिलिटी नहीं है उसकी तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको सचिन को लर्निंग पढ़ाना है,
और मैं उसी के बारे में आपके अपने पिछले टॉपिक के बारे में नहीं आपसे पूछ रही हूँ, या फिर जो अगर मैं अपने जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे बीएड के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर उससे हटकर मैं अगर आपसे टेस्ट लेती हूँ, असेसमेंट लेती हूँ, तो वो यूजफुल नहीं माना जाएगा। तो फिर अगर यूजफुल नहीं है तो उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है, उपयोगी तभी माना जाएगा, यूजेबिलिटी तभी होगी उसकी अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आप बस इतना ही, थैंक्स।